शिमला जिला के रामपुर नगर परिषद में चार मनोनीत पार्षदों को एक सादे समारोह में एसडीएम रामपुर यदविंदर पाल ने शपथ दिलाई। इस दौरान रामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी चयनित पार्षद मौजूद रहे। भाजपा संगठन की ओर से मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद चारों मनोनीत पार्षदों को लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। सरकार की ओर से चारों मनोनीत पार्षदों में सुनील नेगी, श्यामलाल गुप्ता, कमल स्वरूप व मनीष मित्तल को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मनोनीत पार्षदों ने कहा कि रामपुर के विकास और कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए चयनित पार्षदों के साथ मिलकर वे काम करेंगे। उनका लक्ष्य होगा कि रामपुर का विकास हो और पिछले चुनाव में बनाए गए नए वार्डों में तेजी के साथ विकास करवाया जाए। शर्मा जी का और मंडल के मंडल अध्यक्ष भीमसेन ठाकुर जी का और समस्त जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे द्वारा नॉमिनेट पार्षद होने का मौका मिला। जो भी कार्य है रुके हुए गए हैं उसको आगे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे और सरकार के द्वारा जो भी कोई नए नए स्कीमें हैं उनको भी आगे सब लोगों के सामने समक्ष रखेंगे और फिर जो भी कोई ऐसी समस्या होगी वो हम उसके लिए सब मिलजुल कर कार्य करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नगर परिषद में मनोनीत पार्षद करने के योग्य समझा उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सरकार का आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरा हर संभव यही प्रयत्न रहेगा कि मैं मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। संगठन हिमाचल प्रदेश और मंडल रामपुर तथा सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मनोनीत सदस्य के रूप में यहाँ पर भेजा है और मैं संगठन को भी और सरकार को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना संजोया है मैं भी उसी नक्शे कदम पर चलने का यहाँ पर प्रयास करूँगा कि जिससे कि एक हम अलग से यहाँ पर पहचान बना सकें, जिससे कि यहाँ पर एक स्वच्छ हम यहाँ एक कार्य यहाँ पर दे सकें। और हमारा फोकस उस तरफ होगा, 2 नंबर वार्ड हो गया आपका, 8 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, सब ये नए वार्ड बने हैं और ये जितने भी वार्ड ये मूलभूत सुविधाओं से अभी वंचित है तो इनकी समस्याओं को हम प्रथम दृष्टि से रखते हुए सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके साथ मैं सभी यहाँ के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर एक साथ सदन में आवाज़ उठाकर और सरकार तक इसको पहुँचाएंगे। आपको बता दें कि रामपुर नगर परिषद में 9 वार्ड हैं और 9 वार्डों के चुनाव में 7 वार्डों में कांग्रेस समर्थित व 2 से भाजपा विचारधारा के पार्षद जीत कर आए हैं।